हे एवरीवन, कैसे हो सारे? होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के बारे में। और फाइनली जो पीजी का सेकेंड लिस्ट था रिलीज कर दिया गया है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन्होंने बोल रखा था कि 11 तारीख को आएगा 3 बजे के करीब। तो फाइनली अभी मैं 9:14 हो रहा है, आप सामने देख सकते हो, अभी मैं ओपन किया ही हूँ तो दिख गया है कि आपका लिस्ट आ चुका है सेकेंड लिस्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2024-2025 से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जितने भी कोर्सेस हैं सभी कोर्सेज का सेकेंड लिस्ट आ चुका है। इससे पहले जो पहला लिस्ट था उसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया था, तो जिनका जिनका उसमें सिलेक्शन हुआ है आप लोग होप वेरीफिकेशन वगैरह करवा लिए होंगे, बाकी फीस पेमेंट वगैरह कर लिए होंगे। अब सेकेंड लिस्ट में जिनका जिनका आया, सबसे पहले मैं बोलूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जो भी कोर्सेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी है बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के ऑफिशियल साइट पे आइएगा। यहीं पे आने के बाद पीजी एडमिशन वाला जो सेक्शन होगा ऊपर ही स्लैश करते दिखेगा, तो वहीं पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ये वाला साइट पे आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आने के बाद आपको डायरेक्ट नीचे आना होगा, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ आपका। ये तो एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्होंने बोल रखा है कि 25 तारीख से आपका लास्ट डेट था 3 बजे तक, और एडमिशन टेस्ट 28 तारीख को हुआ। उसमें शेड्यूल भी मैंने जब आया था सारी चीज़ों पे मैंने बात कर रखा है। और जो पहला लिस्ट था 6 तारीख को आया, उसके बाद दूसरा लिस्ट आज 11 तारीख है यानी 11 अगस्त है, तो आज आपका आ चुका है। आप देख सकते हो, नीचे देख सकते हो आपका हर कोर्सेज का आ चुका है, बस एक कोर्सेज छोड़ के जो MA बेंगोली राघोपुर वाला कैंपस है वहाँ के छोड़ के बाकी सारे ये आ चुका है। जो मेन कैंपस में जितने भी कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज का आपका लिस्ट आ चुका है। देख सकते हो इसमें कोर्सेज कौन कौन सा है, MCOM है, MA हिस्ट्री है, MA इंग्लिश है, MA पॉलिटिकल साइंस है, MA सोशोलॉजी है, MA बंगाली राघोपुर ओनली यानी राघोपुर में ही इसका क्लासेस होता है, MSc इकोनॉमिक्स, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc डेटा साइंस, MSc फिजिक्स, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MA एडुकेशन। यहाँ पर इतने कोर्सेस आपको PG के कोर्सेस यहाँ पर मिलने वाले हैं। और MA एडुकेशन में भी आपका नहीं आया, यानी इसका मतलब सीटें फुल हो गई है इसीलिए नहीं आया। बाकी मैं हम लोग डिटेल देख लेते हैं, और डिटेल में आपको क्या दिखेगा कि उसमें सारा चीज़ें दिखे, क्या इंपॉर्टेंट डेटें हैं सबसे पहले, और वेरिफिकेशन के लिए कब जाना होगा, फीस पेमेंट कैसे करना होगा, ये सारा डिटेल पे हम लोग बात कर लेंगे। हो सकता है इसमें जो जो लिस्ट नहीं आई है उसके रिगार्डिंग भी वहाँ पर डिटेल दिया हो। चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक कोर्स का हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले MCOM वालों का देखते हैं। तो MCOM वालों के लिए देख लेते हैं सबसे पहले, फिर MA का एक कोर्स देख लेंगे, MSc का देख लेंगे, बाकी सबका कॉमन ही रहता है डिटेल, वो तो मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है। बाकी मैं बता देता हूँ कि जो डिटेल रहता है ना वो कॉमन रहता है, जैसे MA का जो भी कॉम्बिनेशन है सबका ये रहता है कॉमन रहता है, बाकी MSc के जो भी कॉम्बिनेशन रहता है कॉमन रहता है, बाकी मैं खोल के दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए MCOM का देख लेते हैं। सबसे पहले यहीं पे PDF डाउनलोड करने के लिए क्लिक केयर पे कीजिएगा। ठीक है, हम क्लिक केयर पे करके आपको PDF पे डायरेक्ट लेके चलते हैं। तो देख सकते हो आपका जो PDF है डाउनलोड हो चुका है। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट है, उनका नाम है, एप्लीकेशन कोड है, ये आप अपना मिला लेना। ठीक है, इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आना। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा शेड्यूल दिया गया है। आपको क्या है कि वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जाना होता है, ये ध्यान रखिएगा, तब आप फीस पेमेंट करिएगा। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन जो भी एडमिशन गाइडलाइन है हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि गाइडलाइन का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, काफ़ी डिटेल में मैंने बात किया हुआ है, चलिए मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। बाकी गाइडलाइन सबके लिए सेम रहता है, बस जो भी कोर्सेज है बाकी जो डेट है बस वही डेट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। तो जो भी कैंडिडेट हैं सबको उनको बोला, वो लोग बोल रहे हैं कि फिजिकली कॉलेज में जाना होगा एडमिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, ओरिजिनल और कॉपी। सबसे पहले तो एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट सीट, जब आप एप्लीकेशन फिलअप किए होगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट सीट, जितने भी सेमेस्टर हैं वो सेमेस्टर का आपको रिजल्ट लेके जाना होगा। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तब 5 सेमेस्टर का आप अपना रिजल्ट लेके जाना। अगर जिनका रिजल्ट आ चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, तो वो सारे जो भी सारे सेमेस्टर का रिजल्ट है उसको लेके जाना होगा। और ये ध्यान रखिए सब ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना होगा, सबका एक एक दो दो फोटोकॉपी करवा लेना। अगर जो क्रिश्चियन कैंडिडेट है या रोमन कैथोलिक कैंडिडेट है उनको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर जो SC ST OBC से अप्लाई किए हैं तो उनको ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जाना है। और उनको वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है ये देख लीजिए, डेट यहाँ पर दिया गया है 14 अगस्त 2024 2 PM to 6 PM के बीच में आपका वेरिफिकेशन होगा। वेन्यू MCOM ऑफिस सेकेंड फ्लोर में आपका होने वाला है।
पेमेंट ऑफ फीस वही मैंने बताया कि सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। फ़ीस पेमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले तो लॉगिन करोगे, जहाँ से आप अप्लाई किए थे वहीं से आप जाके लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपको फीस पेमेंट बटन आएगा, वहीं पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने जो भी कार्ड से आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे UPI का फैसिलिटी शायद नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप जब पेमेंट करने जाना तो देख लेना। उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रिंट आउट रख लेना है उसका भी, जो फीस पेमेंट किया है। और जब फीस पेमेंट करोगे तो ये ध्यान रखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपका लगेगा। तो सबसे पहले तो आधार कार्ड का नंबर लगेगा, ईमेल आईडी का लगेगा, अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा, ब्लड ग्रुप रहेगा जो भी ऑथोराइज लेबोरेटरी से आप मतलब करवाए होगे। ठीक है, अगर नहीं है तो जाके टेस्ट करवा लो ब्लड ग्रुप, मतलब हार्डली एक 1 to 2 आवर्स के अंदर में वो लोग दे देते हैं आपका रिपोर्ट। आपका मतलब वही परमानेंट एड्रेस वो लोग लेंगे। ठीक है, बाकी इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई डिटेल अगर गलत होता है ओरिजिनल में वेरिफिकेशन के दौरान, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा और रिफ़ंड वैसे सिचुएशन में रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्होंने ये मोटा मोटी बोला है। उसके बाद आपका जो क्लासेस होगा, इनोग्रेशन या इंडक्शन जो भी आप बोलो, 17 अगस्त सुबह के 11 बजे आपका होने वाला है। अटेंडेंस कंपलसरी है और वेन्यू आपका कॉलेज ऑडिटोरियम में होगा। होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है। तो M.Com का मैंने बता दिया। ठीक है, वो आपको डिटेल समझ में आया है, ताकि आपको इसलिए डिटेल समझाया जाता है ताकि आपको कोई गलतियां ना करो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कोई MA का एक कोर्स निकाल के आपको दिखा देते हैं। चलिए MA सोशियोलॉजी का हम क्लिक करते हैं। तो MA सोशियोलॉजी का मैंने PDF डाउनलोड कर रखा है, आप देख सकते हो। लिमिटेड लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी हुआ है आप देख लेना। ठीक है, देख लो ये इनका जो भी डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट वही लेके जाना जैसा मैंने इससे पहले बताया। डेट आप देख लो, डेट इन्होंने बोल रखा है कि जितने भी ऑल MA कोर्सेस हैं और ऑल MSc कोर्सेस हैं, सारे कैंडिडेट को 14 अगस्त को जाना होगा। ठीक है, तो 14 अगस्त 2024 को जितने भी MA के कोर्सेज हैं, यानी जितने भी कॉम्बिनेशन है लाइक MA History, MA पॉलिटिकल साइंस जो भी आपका है, उनको सुबह में 10:30 बजे जाना है 14 अगस्त को। ठीक है, और जो भी MSc के कोर्सेज हैं, जो भी MSc के कॉम्बिनेशन है, उनको जाना है दिन में, मतलब 12:30 में आपको जाना होगा। रोहितन कपाड़िया हॉल सेकेंड फ्लोर में आपको जाना होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद वही फीस पेमेंट वगैरह कैसे करना है, वेरिफिकेशन करवाने के बाद तब आप फीस पेमेंट कर लेना, जैसा मैंने बताया कैसे आप कर सकते हो, क्या डिटेल रिक्वायर्ड होगा। इंडक्शन और इनोग्रेशन आपका भी सेम डेट होने वाला है, 17 अगस्त 11 बजे सुबह में। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। वेन्यू रहेगा आपका कॉलेज ऑडिटोरियम। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी है, तो यानी सारे कोर्सेज का आपका मालूम चल चुका है कब आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है और फीस पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो चुकी है। तो बाकी आप देख सकते हो MA History, MA English, MA Political Science, MA Sociology, MA Bengali, ये जितने भी कैंडिडेट हैं इनको सुबह में जाना होगा, जो 10:30 का था। और बाकी MSc Economics, MSc Computer Science, MSc Data Science, MSc Physics, MSc Microbiology, ठीक है, तो ये कैंडिडेट जाएंगे 12:30 पे 14 अगस्त को, और MA वाले जाएंगे 10:30 पे आपको 14 अगस्त को। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो यही आपका डिटेल था, बाकी MSc का भी सेम ही है, मैं दिखा देता हूँ आपको, क्लियरिटी हो जाए ताकि। तो देख सकते हो MSc डेटा साइंस का मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आपको देख लो यहाँ पे वही सेम चीज़ें है, सेम डेट है आप। ठीक है, यही 14 अगस्त को ऑल MA कोर्सेस वाले जाएंगे, और MSc ऑल MSc कोर्सेस वाले जाएंगे सुबह में 10:30 बजे MA वाले जाएंगे, और 12:30 में MSc वाले जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो चुकी है। तो जिनको वेरिफिकेशन करवाने जाना है, आप वेरिफिकेशन करवा लो, आज 11th of August, तो 3 दिन बचा हुआ है, तो आप जाके करवा लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये डिटेल समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, जहाँ पर भी डाउट आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, कमेंट के माध्यम से डेफिनेटली आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।